गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा के उपचुनाव में दाखिल 17 नामांकन पत्रों में से 7 पर्चे हुए खारिज। 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा 14 मार्च को। मतदाता जागरूकता महाअभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचल लोक अदालत वैन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 3 दिनों तक जिले में विभिन्न स्थानों पर करेगी मुकदमों का निस्तारण। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया कड़ा विरोध। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय स्मृति व्याख्यान का हुआ समापन। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 23 और 24 फरवरी को राप्ती नगर विस्तार के आवंटियों को कब्जा देगा जीडीए। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, साजिश को कामयाब नहीं होने देगा यूनियन। डॉक्टर माधवी खोड़े चावड़े को नियुक्त किया गया प्रेक्षक। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी में खुशी की लहर। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग का वार्षिक समारोह हुआ संपन्न। छात्र छात्राओं ने कव्वाली और शेरो शायरी से बांधा शमा। गायत्री परिवार निकालेगा कलश यात्रा। 27 फरवरी को होगा गायत्री महायज्ञ। उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में बस्ती ने कुशीनगर को 5-0 से रौंदा। और खेल छात्रावास के लिए जिला स्तरीय ट्रायल रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में दाखिल किए गए 17 नामांकन पत्रों में से 7 पर्चे खारिज हो गए हैं। अब कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। 23 फरवरी को नाम वापसी की जा सकेगी, उसके बाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बुधवार को पर्चा खारिज होने वालों में समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाले राम नगीना साहनी, भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के शैलेश कुमार निर्दल प्रत्याशी, जयप्रकाश गुप्ता, अच्छे लाल अरुण कुमार, अशोक, राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी की पूनम विश्वकर्मा शामिल हैं। वहीं 2 बार पर्चा दाखिल करने वाले सर्वोदय भारत पार्टी के उम्मीदवार गिरीश नारायण पांडे का एक नामांकन पत्र खारिज हो गया है, लेकिन एक पर्चा वैध होने के कारण वे चुनाव मैदान में बने रहेंगे। बुधवार को पर्चों की जांच करने के बाद 7 खारिज हुए पर्चों के बाद 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। अगर किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया तो इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 14 मार्च को होगा। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वीप के तहत बुधवार को डायट सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाधिकारी राजीव रौतेला, प्रेक्षक निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुबोध, डॉक्टर माधवी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र, स्वीप अधिकारी डॉक्टर बलराम सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद भदौरिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश ओझा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता महाअभियान के तहत गीत को दोहराया। क्विज प्रतियोगिता में अयोध्या दास इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं से चुनाव और मतदान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा, आ गए यहाँ जवा कदम मंजिलों को पाने के
आप लोग भी आना सही है ये तो क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसी चुनाव के लिए बनाए गए हैं, लोकसभा चुनाव से संबंधित है। तीसरी टीम तैयार करिए, सीधे से टीम सीधे स्वस्थ रहिए, हंसिए, इंजॉय करिए और अपने दायित्व को स्वयं करिए। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव 2018 गोरखपुर के किस तहसील मुख्यालय के लोग मतदान भाग नहीं ले सकेंगे? कोई कारण है जिसके कारण इस तहसील के लोग भाग नहीं ले पाएंगे? उस तहसील का नाम है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते। आप लोगों के हिसाब से उसी उम्र का सवाल है, ईवीएम का पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, सही क्या कहते हैं? सही, गलत है सर। अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रही हैं? सर बता रहे सही है, गलत रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आप लोग को दो बात दी जाते हैं, पूरा नाम है लोकसभा उपचुनाव 2018 किस दिनांक को होना है? 14 मार्च या 11 मार्च? 11 मार्च। ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो भारत निर्वाचन आयोग का जो स्वीप प्रोग्राम है, जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये पूरा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग ये नहीं कि चुनाव से पहले ही, वर्ष पर्यंत मतदाता को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाते हैं, और निश्चित रूप से जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो इन कार्यक्रमों में और भी सघनता आती है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से कोई ना कोई कार्यक्रम प्रतिदिन पूरे जनपद में हो रहा है, जिसमें हमने एक गर्ल स्टूडेंट्स की एक ह्यूमन चेन भी रामगढ़ ताल के एरिया में बनवाई थी। रोज कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता है, कहीं ऐसे कंपटीशन है, कहीं पर संभाषण है, तो उसी श्रृंखला में ये कड़ी है आज। और आज यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उनका क्विज कंटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, जिससे प्रश्नोत्तरी होती है। और ये क्विज कंटेस्ट जो है वो जो इलेक्शन रूल है, लॉ है, प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में है। कल हमारे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी जनपद में आ रहे हैं और उनके कई कार्यक्रम हैं, इसमें से एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग स्टेडियम में कराएंगे। स्टेडियम में हमारे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे, स्पेशली ऐसे बच्चों को बुलाया है जो अब वोटर हो गए हैं, 18 ईयर्स की उनकी आयु हो गई है, और इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो थ्रेशहोल्ड पर हैं, 16-17 साल के हैं, वोटर बनने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग कल दिन में 2 बजे वहाँ पर करेंगे, और इसके अलावा भी जब तक हमारा ये मतदान का दिवस होगा तब तक ये हमारे प्रोग्राम जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचल लोक अदालत वैन को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज मुकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल वैन 3 दिनों तक जिले में रहेगी और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वादियों के मुकदमों का निस्तारण करेगी।
इस वैन के माध्यम से मोटर क्लेम, दुर्घटना, पारिवारिक वाद सहित अन्य मुकदमों का मौके पर निस्तारण हो सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रकाश चंद शुक्ल ने बताया। नमस्ते, आप कहाँ पर हैं? आप लोग उधर ही चले। कि आम जनमानस को विधिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हो, सस्ता और सुलभ उन्हें न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नालसा और सालसा का गठन किया गया है और किस तरह से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं जो अल्प आय वाले हैं, और सुलह समझौता के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण किया जा सकता है। इसका सारा उद्देश्य व्यवस्था जो बनाई गई है कि आम जनमानस को इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। किस तरह के मुकदमों का निस्तारण होगा सर? दुर्घटना, मोटर दुर्घटना से संबंधित, घरेलू जो विवाद चलते हैं पति पत्नी के बीच, भरण पोषण से संबंधित बात, जितने छोटे मुकदमे हैं इनके बारे में, मोटर क्लेम से संबंधित, ये मुकदमों का निस्तारण कैसे हो सके और कम फीस या अधिवक्ताओं को फीस न देना पड़े, इस हमारे पास यहाँ पे अलग से अधिवक्ताओं का एक पैनल है जो कि निशुल्क सहायता प्रदान करते हैं और कोर्ट फीस की वापसी भी कुछ मामलों में है। सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इसी के लिए प्रचार प्रसार करने। तो कहाँ तक जाएगी वैन, कितने दिनों तक रहेगी? 3 दिन तक वैन यहाँ पे रहेगी और शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों विभिन्न स्थानों पर ये जाएगी। अभी सेंट एंड्रयूज का रहा, रेलवे स्टेशन पर है, जंगल कोड़िया, इस तरह से 3 दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम भी आया हुआ है, तो चूँकि दिन की रोशनी है तो इसमें दिखाना संभव नहीं था, उसको विशिष्ट स्थानों पर प्रचार प्रसार के लिए उसको चलाया जाएगा रात के समय या शाम के समय। और कुछ? बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए टिप्पणी का पुरजोर विरोध किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, हम लोग को जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पे कुछ महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के फोटो लगा के कुछ लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं और उसमें गलत तरीके से फोटो का चित्रण किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे SSP गोरखपुर को एक उसमें एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने बताया कि इसकी जांच चल रही है और इस फ़ोन की लोकेशन, जिस फ़ोन से व्हाट्सएप नंबर से चीज़ें मैसेज भेजी गई है, उसकी महुआ जिले के चरखारी के पास में उसकी लोकेशन मिली है। और खैर ये पुलिस का मामला है, उसमें जांच करें, क्योंकि एक विद्वेष फैलाने की नीयत से और एक अराजकता फैलाने की नीयत से ये चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं, इस पर पूरे लगाम लगना चाहिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पर। पंडित दीनदयाल
उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत विभाग और श्रद्धा निधि न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर स्मृति व्याख्यान का बुधवार को समापन हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित व्याख्यान के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रमानाथ मिश्र, श्रद्धा निधि न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर दयानंद त्रिपाठी, सचिव प्रोफेसर महेश्वर मिश्र, उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रसाद मणि त्रिपाठी, इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र राव, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय कला एवं शिल्प के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। हमेशा राजा महाराजा ने नहीं किया, हमें तो पुलजी का वो एक है जिसमें ये ऑफिकास किया है उसके लिए राशि है और आगे तो पैटर्न में राजाओं की नहीं होती थी। अन्य कभी बच्चे ये निर्माण करते थे और उनके निर्माण के हमें उल्लेख प्राप्त है तो पैटर्न का पैटर्न भी हमें इनसे ज्ञात होता है। ये भी पता चलता है कि इस काम के लिए के शिल्पियों को क्या कंपेंसेशन मिलता है मनी या कमोडिटी के रूप में, इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त है। और इसके अलावा यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं जो वैचारिक आधार पर महत्वपूर्ण है कि कितनी स्वतंत्रता थी, अभी अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता थी या उनकी गतिशीलता कितनी थी एक स्थान से दूसरे जाने में और पद की क्या वो शुद्ध की स्थिति से अन्य पद भी प्राप्त कर सकते थे। ऐसे तो उल्लेख है कि है तो सुधार लेकिन वो अपना अपनी कास्ट नहीं बताता है, बात के विरोधों में कहता है मैं पंडित अमुक का पुत्र हूँ, कहता है मैं क्षत्रिय हूँ। तो इसकी वजह यह है कि इसके दो चीजें होती थी, या तो ये यही लोग निर्माण हो रहे हैं या ये इतना प्रोफेशन इतना ये इसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। अभिलेखों में इसकी सूचना ज्ञात है जिसे कंट्रोल करने के हमारे पास कोई आधार नहीं, जिसे अस्वीकार करने के हमारे पास कोई आधार नहीं। ये सारी सूचनाएं क्योंकि हमारे पास आज उपलब्ध है तो एक बड़े निश्चित पैमाने पर हम भारतीय कला को कलाकारों के साथ संबंधित करने की स्थिति में कार्य पूरी तरह से नई शुरुआत की। और आप लगा लीजिए संत एटी से अगर कुमार को शिवराम मूर्ति को रखते हैं या सब 75 से मेरी चिंता करते हैं तो ये बहुत पुराना काम है, इससे 50 वर्षों तक का के पीरियड में ये सारी सारी सूचनाएं उपलब्ध हुई है। देखेंगे ऐतिहासिक जिससे कब कौन से महत्वपूर्ण शिल्पी थे जो प्रकाश में आए उनके बारे में क्या सूचना है। मौर्य काल से हम प्रारंभ करते हैं। मौर्य काल के संबंध में मौर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर के और मैसूर तक कर्नाटक का क्षेत्र था, हर जगह अशोक के अभिलेख मिलते हैं, कंधार उसके अभिलेख मिलते हैं, ग्रीक स्क्रिप्ट में है तो रामायण और ग्रीक स्क्रिप्ट के माने हैं उसके क्षेत्र में उसका उन क्षेत्रों का भी शासन था जहाँ पर ईरानी या ग्रीक बस्तियाँ थी। हमने कल बताया कि आपस पर आपस नदी पर एक 200 साल की मौर्य पीरियड की पूरी पूरी बस्ती के श्रीमान शुभंकर और बर्नार्ड ने खोजा है जो 1960 में खुदी हुई, अब तो 40 वर्ष हो गए उसके। तो ये एक सत्य है कि वो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के लोग धर्म या संस्कृति के लोग भारतवर्ष के भाग में कॉन्टिनेंट के भाग में थे और उनमें से बहुत सारे भाग अशोक के राज्य के अंतर्गत थे। दो बजे तो हमें मथुरा से मिले हैं जिसे कुलिक नाम के आचार्य का उल्लेख है। कुलिक
के दो अंतर्वासियों का प्रतिनिधित्व काम करता है, एक का नाम है नाग नाग और दूसरे का नाम था गोमितल। गोमितल ने यक्ष की प्रतिमा बनाई जो हमें प्रथम गांव से प्राप्त है, जो बड़ी प्रसिद्ध प्रतिमा है। भारतवर्ष की कला में पहले विष्णु और शिव की मूर्तियां ही मिलती, सबसे पहली मूर्तियां मिलती यक्षों की मूर्तियां, और यक्षों की आयोग ने बाद में अन्य मूर्तियों तो जो पहली मूर्तियां हमें प्राप्त है उनमें से प्रथम और जी कनगला से यक्ष की मूर्ति ली है और प्रथम से यक्ष की, इन दोनों का अभिलेख है कि वहां के रूप में अंतर्वासी नाथ और गोमितल ने इन मूर्तियों का निर्माण कराया। कटा कृता इन्होंने कृति ये निर्माण किया गया। लेते हैं एक अल्प विराम, जब लौट के आएंगे। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव राम सिंह ने बताया है कि उच्च न्यायालय में योजित याचिका राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना आवंटी संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व चार अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के आवंटियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार और शनिवार 23 और 24 फरवरी को योजना कब्जा दिया जाएगा। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजियां भी की। इस मौके पर आम सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने रेलवे प्रिंटिंग प्रेस के बंद हो जाने के बाद रेलवे कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को गिनाया। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि रेलवे के शीर्ष कुर्सी पर बैठे कुछ लोग रेलवे प्रिंटिंग को बंद कराने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता, नवनीत कुमार मिश्र, ओमकार नाथ सिंह, रतन कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, भोला मिश्रा, अनवर हुसैन, सुबोध प्रसाद सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता ने कहा, ये आदेश अफवाह है। एनी रेलवे पर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सरकार बंद करने जा रही है और उसी के विरोध में ये रैली है। उनको मेमोरेंडम सीएस को दिया गया एड्रेस टू रेल मिनिस्टर कि साहब इसको देखिए, कंपनी मैंने PNW कंपनी मैंने रेलवे से चल रहा है और ये इंडिया का सर्वोत्तम प्रेस है, लेकिन आज क्यों बंद किया जा रहा है? क्या कर ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तब कहा नहीं बंद नहीं किया जाएगा, उन्होंने यूँ किया, उस वक्त परिवर्तन किया गया, लेकिन ममता बनर्जी हट गया दूसरे आ गई, ये रेल मिनिस्टर ने भी कहा है कि बंद करने वाला हम बात करेंगे, बंद करने वाला बात करने पर बंद खाली कहते हैं करते नहीं, उल्टा ऑर्डर देते हैं, हमसे कुछ कहते हैं अंदर कुछ बोलते हैं। ऐसे हालत में दूसरी बात
सरकार के नहीं है, बंद करो। ये रेलवे हमारा आरपीएफ फोर्स है, इसको कहा गृह मंत्री भी ले जाओ, ये बंद हो जाए, बंद हो जाए, पता ही सड़क पर दूर बैठ नहीं रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे प्रिंटिंग प्रेस चालू रहना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं हुआ चालू होना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए, यही मांग है। गोरखपुर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कंपेयरगंज, गोरखपुर शहर तथा गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, जो 20 फरवरी से सर्किट हाउस में अवस्थान कर रही हैं। यदि किसी राजनीतिक पार्टी को पदाधिकारी को अपनी बात प्रेक्षक तक रखनी है तो वो प्रेक्षक के दूरभाष पर संपर्क कर सकता है। प्रेक्षक से मिलने का समय सर्किट हाउस में प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य नियत है। ये जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ ने दी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, रमेश सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, राधेश्याम श्रीवास्तव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद थे। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ उन्हें भेंट किया और उनका अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पार्टी के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका वह भली भांति पालन करते हुए पार्टी के विकास और विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ये सब कार्यकर्ता क्यों, ये सीढ़ी पूजी योगी जी से हुई, जब जन से सामान्य से संपर्क करना केंद्र और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य हुए हैं उन कार्यों की जानकारी। लोग कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं, मैं काम क्या करूं? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की, वो सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी जन सामान्य को दे, ये आपका तो मिला है। उस नेतृत्व को साथ लेकर के आप काम करेंगे और जो आज नेतृत्व में सहयोग करने के लिए हम सब लोग प्रयास रहेंगे। और 91 में महात्मा गांधी जी की कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था
मुझे विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी दी गई। विद्यार्थी परिषद में मैंने उसी उम्र में 21 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी परिषद में गोरखपुर में कोई भी दायित्व नहीं था जिसे मैंने स्वीकार जिसे मैंने निर्वहन ना किया हो। गोरखपुर विश्वविद्यालय राज्य मंत्री, गोरखपुर महानगर मंत्री, जिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय क्षेत्र प्रमुख और प्रदेश मंत्री थाना थाने के मैंने इतने वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में 10 वर्षों तक काम किया। स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानकर काम किया। और जब हम लोग युवा छात्रों को युवा छात्राओं को बीच में इंटरेक्शन पर बैठाते थे, बात करने जाते थे, मैं सचमुच स्वामी विवेकानंद जी को मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। और मैं कई बार आज हमारी महिला सामने तिलक लगा रही थी, मैं स्वामी विवेकानंद जी के उस कोट से बहुत प्रभावित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में जो बुराइयां हैं, अराजकता है, समाज में जो जिस प्रकार के संकट हैं, उन्होंने जिस आध्यात्मिकता को अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर सिद्ध किया, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरी याद से बहुत अधिक उम्र की कोई महिला है तो उसे माँ के रूप में देखो, मेरी याद से थोड़ी अधिक उम्र की है तो उसे भाभी माँ के रूप में देखो, अगर आपकी आयु के बराबर की है तो उसे बहन के रूप में, और अगर आपकी आयु से छोटी है तो उसे बेटी के रूप में देखो। समाज में कोई संकट नहीं आ सकता उस तरह सचमुच जिस दायित्व का निर्वहन मुझे आज हमारे प्रदेश नेतृत्व में दिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में दिया है, मैं आज में छोटा हूं लेकिन 28 वर्षों से इस विचारधारा में काम कर रहा हूं। 17-10 वर्ष विद्यार्थी परिषद और 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व किसी न किसी दायित्व पर आकर के काम कर रहा हूं। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक दायित्व के रूप में दायित्व मेरे ऊपर आया है और आप सबके सहयोग से आशीर्वाद से लेकर के सबको जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है सामूहिकता और पारस्परिकता की सबको साथ लेकर के और सबको एक साथ लेकर के काम करने की तो उसके आधार पर मैं लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और मैं आज के अवसर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है आप सबके सहयोग से, मैं जो जिस बात का संकेत आदरणीय पाठक जी ने किया, आदरणीय पाठक जी हम सबके अभिभावक है, गोरखपुर क्षेत्र में जो जिलाधिकारी साहब है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सबको साथ लेकर के मैं आज सुबह अपने घर से 6:30 बजे जब निकला साथ में तो मेरी देवी माता सुना मैं माता प्रसाद देवी के का दर्शन करने गया। और मैंने माँ से ही कहा कि कम आयु में होने के नाते कई बार बातें बातचीत करने में वाणी से बहुत सारे लोगों को कष्ट हो जाता है। मैंने कहा कि मेरा एक दायित्व आया है और मेरी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, सबको साथ लेकर के चलने की शक्ति दीजिएगा और उस शक्ति के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी की आप सबके भरोसे आप सबके बल पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी ने जो जिस पावर को लेकर गए हैं, एक बहुत संघर्षशील जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। निश्चित रूप से उन कार्यों को लेकर सबको साथ लेकर के और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आप सब लोगों के लिए 14 जैसा कि आदरणीय पाठक जी ने हम सभी को बताया, पिछले पखवाड़े से गोरखपुर जनपद में लगातार प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कृपा की बरसात हो रही है। ऐसे ही जब माननीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, कल उनके नामांकन में अभूतपूर्व कार्यकर्ताओं का जन सहयोग हुआ और कल सायंकाल देर रात्रि में जब डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया
तो आज जो कार्यकर्ताओं ने उत्साह देखने को मिला है, हर तरह कार्यकर्ता होता है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी एक जरूरी कार्यकर्ता, मुझे भी सौभाग्य मिला है उनके नेतृत्व में कार्य करने का। जब डॉक्टर धर्मेंद्र जी महानगर के महामंत्री हुआ करते थे, उस समय मैं किसान लोगों के लिए जिला महामंत्री था, बहुत नजदीक थे, उनके नेतृत्व में मैंने कार्य किया। मेरा सौभाग्य रहा पिछले कार्यकाल में उन्हीं के साथ महानगर के नेतृत्व और मैं जिला था। आपको सौंपी है, क्या कहेंगे आप? मैं जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के तहत और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पद कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और जिस जिम्मेदारी को उन्होंने सौंपा है, मैं उसका सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर निर्वहन करूँगा और पार्टी को और ताकतवर और मजबूत बनाऊंगा। ऐसे समय पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है जब पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिक्त की हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक जमीनी कार्यकर्ता उपेंद्र शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से जीत करके हम लोग इस सीट को देने वाले हैं और कुछ महाराज जी और प्रदेश को ये तोहफा ऐतिहासिक मतों से देने वाले हैं और मैं सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग का वार्षिक समारोह बुधवार को कॉलेज के डेलीगेसी हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रवीण अब्बासी, डॉक्टर शाजिद, प्रोफेसर वीके सिंह, प्रोफेसर सैमसन डॉन, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने मनमोहक कव्वाली और शेर व शायरी की प्रस्तुति की। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों की प्रस्तुति का प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। सबसे पहले तो साथी साहब को जिन्होंने इस उर्दू जबान को रवा रवा रखने में शेर और तमाम सलाहियतें लगाई और उन सलाहियतों के दबाव मिलकर शर्मिंदा। ऐसा नहीं है
और अगर कोई हिंदी फिल्म देखता है सब कुछ करता है तो उर्दू के बिना तो कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। और मगरिब और जो है आप क्या कहते हैं जितने आप सुने बैनमानी या जो आपने कहा जब सैफुल जामिया ये सब सुन के कानों को बहुत अच्छा लगता है। और उर्दू जो है लोगों की भाषा है और मैं तो लाख आदमी हूँ जो अदालत आप सुनते हैं अदालत खुद अपने आप में उर्दू का शब्द है हिंदी का शब्द नहीं आता है। तो जो है उर्दू को लोगों ने इस बीच एक तरह से उपेक्षित रखा और साजिद साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जब से वो इस विभाग के सदर हुए हैं ये वन मैन आर्मी है सिंगल आर्मी और इस विभाग का एक तीसरा कार्यक्रम है। इन्होंने मुशायरा भी कराया बहुत स्तरीय सहायता है उसमें और इससे पहले इनाग्रेशन और आज एनुअल फंक्शन तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। वैसे भी वो हमसे सलाह मशवरा करते रहते हैं और उनके इस मिशनरी स्पिरिट के लिए उनको मैं एक तरह से सलाम करता हूँ कि वो इसी तरह विभाग को और ऊंचाइयों को पहुँचाए और साथ ही आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जो डिसिप्लिन है वो काबिल तारीफ है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस बड़ी जिम्मेदारी को आने वाले इस टाइम में पूरी निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है क्योंकि तो जब आप पढ़ कर जाएंगे और तमाम का काम करेंगे तो इस कॉलेज के लिए भी अच्छा लगेगा कि आप दूसरी जगहों में जाकर इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत एक अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। गायत्री परिवार की ओर से आगामी 24 फरवरी को कलश यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए परिवार की वरिष्ठ कार्यकर्ता साधना दुबे ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया। मानव में सुरता अपराध व्यभिचार जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है। इन सब का कारण चिंतन की विकृति है जिसका समाधान ईश्वरीय शक्तियों से ही संभव है। इन शक्तियों की अनुकूलता के लिए कुछ साधनात्मक आध्यात्मिक प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस हेतु गायत्री परिवार निरंतर प्रयासरत है। इसी गायत्री परिवार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है जो 24 फरवरी 2018 प्रातः 8 बजे से मंगल कलश यात्रा सायं 6 बजे से 8 बजे पावन प्रज्ञा कुमार तथा 25 फरवरी 2018 प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक जप ध्यान प्रज्ञा योग प्रातः 8 से 11 बजे देव पूजन एवं गायत्री महायज्ञ संस्कार अपराह्न 3 बजे से 4 बजे से 4 बजे तक कार्यकर्ता गोष्ठी सायं 6 बजे से 9 बजे पावन प्रज्ञा पुराण कथा। कहाँ पे होने वाला है बताए 26 फरवरी 2018 प्रातः 6 बजे से 7:30 तक जप ध्यान प्रज्ञा योग प्रातः 8 से 11 बजे गायत्री महायज्ञ संस्कार। बताया गया है ये अखिल विश्व गायत्री परिवार गोरखपुर की तरफ से हो रहा है और ये जगह है आपका। बुधवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में खेले गए एक मैच में बस्ती ने कुशीनगर को 5-0 के अंतर से धमाकेदार जीत दर्ज की जिसमें धर्मपाल और मिथिलेश की 2-2 गोल और दीपक ने 1 गोल दागे। इस प्रतियोगिता के एक अन्य मैच में सिद्धार्थनगर ने महाराजगंज को 1-0 अंतर से मात दी। विजेता टीम की तरफ से एकमात्र गोल हरिवंश ने किया।
किसमें है ये बस्ती है और कुशीनगर बस्ती और कुशीनगर बराबर है इंशाल्लाह यही से फेंक गोल में गोल में फेंका मार देती गोल में डायरेक्ट तो बहुत बढ़िया तुम लोग खेलो खेलो बढ़िया खेलो मार दे गोल हो जाए गोल हरे आराम से चला दू गोल हो गए सभी टीमों के टीम मैनेजर बुधवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान पर जिला स्तरीय खेल छात्रावास के लिए खेल प्रशिक्षकों द्वारा सभी खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का ट्रायल टेस्ट खेल नियमों के मानक के अनुरूप सख्ती से किया जा रहा है। प्रशिक्षक मुक्केबाजी प्रवीण यादव, जूडो कमलेश कुमार, वॉलीबॉल अमिता कुशवाहा, बास्केटबॉल विवेक श्रीवास्तव, एथलीट अशोक शाही और अख्तर खान खिलाड़ियों के ट्रायल लेते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल अरुणेंदु पांडे ने बताया। मोबाइल बंद करो। हैंडबॉल कौन ले रहा भैया? अभिषेक कुमार गुप्ता। रामनारायण आपकी लगा गए में लाइक बिना तो जैसे लाभ के तक जाता हुआ इससे शादी अरे सुबह एक बार भी नहीं पूछे हम लोग अशोक ये क्या क्या लगाया मैं तो इसका राहुल याद है।
दोनों में एक नहीं सर नहीं सर नहीं 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 ठीक सर सर हम आपको निराश नहीं करेंगे सर एकदम से बेफिक्र रहिए सर ठीक सर 800 मीटर महबूब आलम 8 नंबर है तुम्हारा याद रखना रोल नंबर महबूब आलम 11 8 9 9 चलो करी अमन सिंह 10 हाँ चलिए विशाल यादव कमर पास अब आ जाओ एथलेटिक वाले एक नंबर क्या नाम है आप सुन जाओ सभी का बराबर है उसके 2:20 कमल यादव पर भला चल सब सिग्नल खिला रही है नाम बोलो कौन फेंक के गया अभी एथलेटिक्स का मुख्य ट्रायल है एथलेटिक्स जूडो का खेल चल रहा है उसमें 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए ये छात्रावास का सेंटर आयोजित है और जो खिलाड़ी ओवर एज पाए जाते हैं उनके प्रमाण पत्र के बावजूद भी उनकी शक्ल अगर ज़्यादा होती है उम्र के हिसाब से दिखाई देता है तो उनको भी छाँटने की कार्रवाई इस चयन ट्रायल में की जा रही है जिससे कि वास्तविक खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर लोकसभा के उपचुनाव में दाखिल 17 नामांकन पत्रों में से 7 पर्चे हुए खारिज 10 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा 14 मार्च को मतदाता जागरूकता महाअभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन विधिक सेवा प्राधिकरण के सचल लोक अदालत वैन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 3 दिनों तक जिले में विभिन्न स्थानों पर करेगी मुकदमों का निस्तारण सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया कड़ा विरोध गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय स्मृति व्याख्यान का हुआ समापन उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 23 और 24 फरवरी को राप्ती नगर विस्तार के आवंटियों को कब्जा देगा जीडीए रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन कहा साजिश को कामयाब नहीं होने देगा यूनियन डॉक्टर माधवी खोड़े चावड़े को नियुक्त किया गया प्रेक्षक
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग का वार्षिक समारोह हुआ संपन्न, छात्र छात्राओं ने कव्वाली और शेरो शायरी से बांधा शमा। गायत्री परिवार निकालेगा कलश यात्रा, 27 फरवरी को होगा गायत्री महायज्ञ। उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में बस्ती ने कुशीनगर को 5-0 से रौदा। और खेल छात्रावास के लिए जिला स्तरीय ट्रायल रहा जारी। तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।